कसौटी जिंदगी की। फाइनली हमारे और आपके अनुराग ने प्रेरणा को कहा आई लव यू। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, हमें भी नहीं हो रहा था, पर जनाब आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे अनुराग प्रेरणा को घबराया हुआ टेंशन में आई लव कह देगा। तो ये सब कैसे होता है चलिए वो बताते हैं। कमौलिका की घटिया चालें कहीं ना कहीं अनुराग प्रेरणा को और करीब ला रही हैं। ये बात कमौलिका को समझ लेनी चाहिए कि अगर वो ये हरकतें ना करे तो अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे के करीब आते ही नहीं। काफ़ी पहले प्रेरणा ने एक बात कही थी कि जब कमौलिका को शादी करके अनुराग कमौलिका शादी करके आए थे तो उसे लगा था कमौलिका एक अच्छी लड़की है, मतलब सोनालिका एक अच्छी लड़की है, और वो बैकफुट ले लिया था। उसे लगा था वो अनुराग की ज़िंदगी से हट जाएगी। कमौलिका अगर अच्छी बनी रहती तो शायद प्रेरणा अनुराग की ज़िंदगी से चली जाती, पर कमौलिका अपनी ज़्यादा चालाकी की दिखाने की वजह से, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से वो आज धीरे धीरे अनुराग को पा के भी उसे खोती जा रही है। और उसकी घटिया चालें, हर बार जो वो स्टेप करती है, हर बार जो घटिया चालें चलती है, उसकी वजह से अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। आपको याद होगा उसने प्रेरणा का घर जलाया था। अगर उसने प्रेरणा का घर नहीं जलाया होता, उस घर जलने की वजह से ही प्रेरणा को नौकरी ढूंढनी पड़ी और प्रेरणा को मिल गई अनुराग के ऑफिस में जॉब। अगर उसने घर नहीं जलाया होता, ये घटिया हरकत नहीं की होती, तो अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहते ही नहीं। वहाँ सबसे बड़ी गलती की। उसके बाद उस पार्टी में झूमर गिरवाने की कोशिश की, अनुराग वहाँ भी पहुँच के अपनी प्रेरणा को बचा लेता है। और आज फिर से एक बार उसने प्रेरणा को और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की कोशिश की, और एक बार फिर से अनुराग ने अपनी प्रेरणा को बचा लिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हम बात करना ही भूल गए, ये मंगलसूत्र सिंदूर का ड्रामा जो किया कमौलिका ने उस पर उल्टा पड़ गया। एक बार फिर से अनुराग ने प्रेरणा की मांग भरी और उसे मंगलसूत्र पहनाया। ये हर बार कमौलिका ऐसी चालें चलते रहेगी तो अच्छा है हम सभी के लिए, हमारे अनुराग और प्रेरणा और एक दूसरे के करीब आएंगे। आज ये हुआ कि सोनालिका ने प्रेरणा को जान से मारने की कोशिश की। आपने देखा वो कैसे इलेक्ट्रिशियन को हायर करती है और वहाँ पे किचन में पानी में एक खुला हुआ तार छोड़ देती है, जिससे प्रेरणा वहाँ जाएगी जूस बनाने, वो उस पर पैर रखेगी और उसकी डेथ हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा अनुराग पहुँच जाता है उसे बचाने। प्रेरणा को कुछ नहीं होता और कमौलिका को वो करंट लग जाता है, और प्रेरणा उसे बचाने के चक्कर में प्रेरणा को भी झटका लगता है। कमौलिका को यानी सोनालिका को निवी संभालती है और प्रेरणा को अनुराग। अनुराग बहुत घबरा जाता है, वो उसे बैठाता है किचन में और पूछता है तुम ठीक तो हो, बच्चा ठीक तो है, तुम्हें कुछ हुआ नहीं? प्रेरणा उसे पूछती है तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? अनुराग को समझ नहीं आता, बोलता है बिकॉज आई लव। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, बातें बदल देता है। एक्चुअली वो कहना चाहता है वो उसे प्यार करता है, लेकिन बातें बदल देता है कि वो उसके बच्चे की केयर करता है, उसका केयर करता है, इसलिए और कुछ भी नहीं। प्रेरणा तो सब जानती है, प्रेरणा को पता है कि भले ही अनुराग को वो 2 साल ना याद हो, भले ही वो प्यार ना याद हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम 2 जिस्म 1 जान हैं। कहीं ना कहीं अनुराग प्रेरणा की तरफ ऑटोमेटिक खिंचता चला आएगा। जैसे ही अनुराग प्रेरणा को और निवी सोनालिका को लेके नीचे आती है, अनुराग बहुत गुस्से में होता है सारे नौकरों पर। यहाँ पर सोनालिका को लगता है कि अब प्रेरणा को मैं दिखाऊंगी अनुराग मेरी कैसे केयर करता है। वो थोड़ा और चिल्लाती है, मुझे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अनुराग एक रत्ती भर सोनालिका की तरफ देखता भी नहीं। उसे सिर्फ प्रेरणा की टेंशन है, उसके आने वाले बच्चे की, उसके होने वाले बच्चे की टेंशन है, और वो सबके सामने चिल्लाता है कि एक बार भी ये नहीं कहता अनुराग कि अगर सोनालिका को कुछ हो जाता। वो सबके सामने कहता है अगर प्रेरणा को कुछ होता, उसके बच्चे को कुछ होता, तो वो जान ले लेता सबकी। सोनालिका ओ माय गॉड, अब तो उसे ये सारी चीज़ें देख के अपना ये ड्रामा, अपनी ये तिकड़म, अपनी ये सारे जो चालें चलती हैं उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि उसकी इसी चालों की वजह से हमारे अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फाइनली अनुराग ने प्रेरणा को आई लव यू कह दिया है, और जैसा कि आपने देखा कि वो पूजा के बाद ऊपर जाता है और वो सोचता है कि हर बार प्रेरणा के साथ ही मैं रहता हूँ तो ऐसा क्यों होता है? सिंदूर लगाना, गलती से मंगलसूत्र पहनाना, और जब भी वो मेरे करीब होती है मुझे बहुत फ्लैशबैक आते हैं, ऐसा लगता है कोई अपना है जिसे वो सब कुछ शेयर कर सकता है। ये फीलिंग उसे कभी सोनालिका के साथ नहीं होती। और जल्द ही अनुराग प्रेरणा से इन सारे सवालों का जवाब मांगेगा। अनुराग प्रेरणा से पूछेगा कई सारे सवाल और उसे उसका जवाब चाहिए। अनुराग पूछेगा जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग क्यों होती है? तुम हमेशा आसपास क्यों नज़र आती हो? तुम रहती हो तो अच्छा लगता है, तुम नहीं रहती तो मैं तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ, हर वक्त तुम्हें आसपास चाहता हूँ, तुम्हें कॉल करता रहता हूँ, इन सारे सवालों का जवाब क्या है? प्रेरणा जा कर भी कुछ नहीं कह पाएगी क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब अनुराग के पास है। क्या अनुपम कुछ सच्चाई बताएगा अनुराग को? क्या मिस्टर मोलॉय कुछ हेल्प करेंगे अनुराग की, या प्रेरणा सब कुछ सच बता देगी? प्रेरणा तो वैसे सच बताएगी नहीं क्योंकि उससे अनुराग की बहुत टेंशन है।
अब ये सच आएगा कैसे अनुराग के सामने? खैर ये सच कितना भी लेट क्यों ना हो, लेकिन अनुराग को अब प्रेरणा के लिए अपने प्यार का रियलाइज हो चुका है और आज